आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार और मैं अविनाश सेन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल में खूनी मॉनसून, रोहतांग में 11 कार सवारों की मौत, प्रदेश भर में व्यापक नुकसान। मुकेश अग्निहोत्री को नेता प्रतिपक्ष का ओहदा मिला, 8 महीने बाद सरकार ने दिया तोहफा। 2 सड़क हादसों में मासूम की मौत, 5 घायल गंभीर। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के साथ विधानसभा में मानसून सत्र शुरू। और अब समाचार विस्तार से। इस बार बरसात ने हर किसी को डरा कर रख दिया है। सड़क हादसों का सिलसिला जहां थम नहीं रहा है, वहीं लहासों और भूस्खलन ने कई जगह सड़कों का नामोनिशान मिटा कर रख दिया है। हर रोज हो रही बरसात के कारण जानमाल का नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआत मनाली लेह मार्ग से करते हैं। हमारे संवाददाता आशीष शर्मा के अनुसार बुधवार देर रात मनाली से पांगी जा रही एक गाड़ी रोहतांग के पास रोहनी नाला पर एक गहरी खाई में लुढ़क गई। इस भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतकों में 3 बच्चे, 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। डीएसपी मनाली शेर सिंह ने बताया कि पुलिस दल मौके पर है और शवों को निकाला जा रहा है। उधर एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने 11 लोगों के मरने की पुष्टि की है। चंबा से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा बताते हैं कि जिला भर में बुधवार रात्रि भारी बारिश के कारण पठानकोट मार्ग पर पंचकुला और कहलू के पास भारी भूस्खलन से करीब 8 घंटे वाहनों की आवाजाही ठप रही। इसके साथ ही चंबा भरमोर मार्ग पर भी भूस्खलन होने से वाहन नहीं चल पाए। धर्मशाला स्थित संवाददाता नरेंद्र कुमार ने बताया कि जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते खनियारा के टिल्लू गांव में भारी बारिश के बाद एक बार फिर से भारी भूस्खलन का दौर शुरू हो गया है। वहीं शाहपुर क्षेत्र के रेहलू प्राइमरी स्कूल का भवन आखिर बारिश की भेंट चढ़ गया। इस मामले को दिव्य हिमाचल में पहले भी उठाया था, लेकिन लापरवाह शिक्षा विभाग ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उधर धर्मशाला पहुंचे पूर्व परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा कि इस बार भारी बरसात होने के कारण आम जनता को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए प्रदेश सरकार को केंद्र से इसकी भरपाई के लिए विशेष पैकेज की मांग करनी चाहिए। कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री को आखिरकार जयराम सरकार ने 8 महीने के बाद नेता प्रतिपक्ष का ओहदा सौंप दिया है। हालांकि विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की संख्या उतनी नहीं है जो कि नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के नियमों में सही बैठती हो, मगर सरकार ने मुकेश अग्निहोत्री को ये तोहफा दे दिया है। अग्निहोत्री को अब कैबिनेट का रैंक मिलेगा। बता दें कि कांग्रेस के पास 21 विधायकों का आंकड़ा है, जबकि विधायकों की कुल संख्या का 1/3 यानी 23 विधायक वाले दल को ही नेता प्रतिपक्ष का रुतबा दिया जाता है। हालांकि गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी उनको नेता प्रतिपक्ष कहकर संबोधित किया, जिसके बाद ये खुलासा हुआ कि मुकेश अग्निहोत्री को ये ओहदा सरकार की तरफ से दे दिया गया है। प्रदेश में 2 अन्य सड़क हादसों में 1 मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर घायल हुए। पहले हादसे में बिलासपुर जिला के झंडुता के अंतर्गत भंजवाणी पुल के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से लुढ़क गई। इस दौरान गाड़ी में सवार 4 साल के समर्थ की मौत हो गई, जबकि उसके पिता राजेश और बहन वृंदा जख्मी हो गए। दूसरा हादसा हमीरपुर जिला के सलोनी में तब पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने 3 स्कूली छात्राओं को कुचल डाला। तीनों को घायल अवस्था में हमीरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। विधानसभा में बुलाए गए मानसून सत्र के दौरान सदन ने गुरुवार को सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके उपरांत अन्य दिवंगत नेताओं को भी सदन ने याद किया। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक मुकेश अग्निहोत्री को सदन में विपक्ष का नेता भी चुन लिया गया। कांग्रेस के पास विधानसभा चुनाव के बाद 21 विधायकों का आंकड़ा है, जबकि विधायकों की कुल संख्या का 1/3। मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पूर्व राज्यपाल उर्मिल सिंह के देहांत पर उनको भी याद किया और कहा कि सरकार इस प्रस्ताव को भी शोकोद्गार में शामिल करे, जिस पर मुख्यमंत्री ने इसे कार्रवाई में लाया। सदन में पूर्व विधायक दिलेराम को भी श्रद्धांजलि दी गई, जिनके कार्यों को भी याद किया गया। साथ ही केरल त्रासदी व प्रदेश में बारिश से हुई मौतों पर भी शोक प्रकट किया गया। वहीं वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर की मृत्यु पर उनके परिवार के प्रति भी शोक जताया गया। इसके उपरांत प्रश्नकाल शुरू किया गया। हमीरपुर जिला मुख्यालय में पुलिस महिला थाना खुल गया। पुलिस लाइन में चल रहे महिला सेल को ही अपग्रेड कर लेडी पुलिस स्टेशन बनाया गया है।
गुरुवार के दिन जिला प्रशासन व पुलिस विभाग ने मिलकर इसे संचालित कर दिया। हालांकि इसका विधिवत रूप से उद्घाटन नहीं किया गया। महिला थाने का इंचार्ज SHO रीता शर्मा को लगाया गया है। अब महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतें यहां निपटा ली जाएंगी। कुछ दिनों में वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, एसपी साहब ने हमें बताया। और अभी तक सिर्फ जो वुमेन से रिलेटेड केसेस हैं वो हमारे पास रहेंगे, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, किडनैपिंग, अबडक्शन और रेप केसेस हैं, मॉलेस्टेशन है, इस तरह के केसेस के रजिस्ट्रेशन जो है वो हमारे पास ही रहेगी और इन्वेस्टिगेशन भी जो है हमारे द्वारा ही की जाएगी। एशियन गेम्स में हिमाचली बेटियों के दमदार प्रदर्शन के बल पर भारतीय महिला कबड्डी टीम गोल्ड से बस एक कदम दूर है। टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में ताइपे को 27-14 से पराजित कर फाइनल में जगह बना ली। ग्वांगझू 2010 और इंचियोन 2014 एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला टीम एशियाड में अब अपने तीसरे स्वर्ण पदक के लिए उतरेगी। महिला कबड्डी टीम में हिमाचल की स्टार बेटियां कविता ठाकुर, प्रियंका नेगी व रितु नेगी दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। दूसरी ओर भारतीय पुरुष कबड्डी टीम को सेमीफाइनल में ईरान के हाथों 18-27 से हार का सामना करना पड़ा है। उधर महिला टीम की जीत से शिलाई क्षेत्र में खुशी की लहर है। यहां से रितु नेगी और प्रियंका नेगी टीम में शामिल हैं। दीदी जरूर गोल्ड मेडल लाएगी, इसके जश्न में हम ये कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं। प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट मिस हिमाचल 2017 के फर्स्ट रनर अप रही रामपुर बुशहर की राखी शर्मा ने FBV कैंपस प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में मिस कॉन्जेलिटी का खिताब हासिल किया है। मुंबई में आयोजित एक भव्य समारोह में उन्हें यह सम्मान हासिल हुआ। इसी के साथ राखी ने मिस स्टाइल आइकन टॉप 5 में भी स्थान बनाया, जबकि मिस एक्टिव के टॉप 8 में रही। उत्तराखंड के ऋषिकेश में मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित कैंपस प्रिंसेस कॉन्टेस्ट में रामपुर बुशहर की राखी शर्मा का मुंबई में होने वाले फाइनल मुकाबले के लिए चयन हुआ था। मुंबई का मुकाबला राखी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन आत्मविश्वास से लवरेज हिमाचली बेटी ने कड़ी मेहनत से माया नगरी में सबका दिल जीत लिया। और अब आइए मिलते हैं समाज सेवी रॉबिन से। सपना देखिए और उसका पीछा कीजिए, यानी लगातार पीछा। फिर जब यह साकार होगा तो आप कायनात की किसी भी खुशी को पा सकते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही नौजवान की है। कहानी को एक फिल्म के किरदार से जोड़कर समझते हैं। जिसने भी चर्चित हिंदी फिल्म स्वदेश देखी है उसका हीरो मोहन भार्गव तो याद होगा। जी हाँ, मोहन भार्गव। वह अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर इसलिए वापस आ जाता है क्योंकि उसे अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना है। ऐसी ही कहानी है अमेरिका में ई कॉमर्स कंपनी चलाने वाले रोबिन की। वर्ष 2014 तक विदेश में शानदार करियर जमा लेने के बाद भारत लौटे रोबिन ने यहां समाज सेवा, खासकर गौ रक्षा की दिशा में काम करने की ठानी। पहले दिल्ली में सड़क पर घूमने वाले लावारिस पशुओं को उपचार दिया। दायरा बढ़ने लगा तो वह हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला आ गए। यहाँ जिला मुख्यालय से सटे धनोटू गांव में वह पिछले 3.5 साल से पीपल फार्म नाम से एक संस्था चला रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से साल 2000 में BSc करने वाले रोबिन 2003 से लेकर 2014 तक USA में सफलतापूर्वक ई कॉमर्स कंपनी चलाते रहे। पिता साइंटिस्ट थे तो माता शिक्षाविद, परिवार दिल्ली में सेटल था। ऐसे में समय समय पर दिल्ली आना जाना लगा रहा और उसके बाद यहीं रुक गए। उनकी संस्था ने 110 पशुओं की सर्जरी की और 475 पशुओं को संरक्षित किया। वर्तमान में कई विदेशी सहयोगी इस संस्था की वित्तीय मदद कर रहे हैं। ऑर्गेनिक उत्पादों से यह संस्था कमाई कर खुद को स्थापित कर रही है। दिव्य हिमाचल वेब TV टीम ने पीपल फार्म का दौरा किया। आइए रोबिन से सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो यहाँ पे हम बेसहारा गाय, बेसहारा डॉग जिन्हें चोट लगी होती है उनकी मदद करते हैं। फिर हमारे पास हम जैविक खेती है वो करते हैं। जैविक खेती में हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करते हैं कि किस तरह हम इसको और आसानी से कर सकते हैं। और हमारा एक वॉलंटियर प्रोग्राम है जिसमें हमारे देश से हर जगह से, मुंबई, दिल्ली, हिमाचल, हर जगह से लोग आते हैं और विदेशों से भी आते हैं। और यहाँ
सबसे ज्यादा जो कठिनाई है वो थोड़ी पर्सनल थी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो टेक्नोलॉजी का है। मैं इससे पहले मैं इंजीनियर हूँ पेशे से, कंप्यूटर इंजीनियर, और मैं यूएस रहता था, तो मेरे लिए बिल्कुल ये नया था। कुल एरिया 14 कनाल है, पर 14 कनाल में मतलब थोड़ा सा तो घर है, कुछ डॉग्स के लिए है, कुछ गाय के लिए है, कुछ में हम गाय के लिए घास उगा रहे हैं, और बाकी मेरे ख्याल से एक 2/3 जो हिस्सा है उसमें खेती हम कर रहे हैं। मैसेज है वो लोगों तक पहुंचे कि पीपल फार्म क्या करता है और उसके पीछे जो ये एनिमल कॉज है वो लोगों तक पहुंचे। और दूसरा हम ये बताते हैं कि हेल्दी खाना पॉसिबल है हमारे प्रोडक्ट के साथ, इसमें ना दूध है, ना दही है, ना घी है। तो एक हमारा बेस्ट सेलिंग आइटम है ये पीनट बटर, ये सिर्फ मूंगफलियों से बनाया है, इसमें ना शुगर है, ना किसी प्रकार का नमक है, ना कोई पाम ऑयल है। हाँ, तो हमारे मेन जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये जाते हैं मैकलॉड में, भागसू में, ऑफलाइन जाते हैं दुकानों पे। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए गगल से विमुक्त शर्मा की रिपोर्ट। और आइए अब चलते चलते, हमीरपुर में स्मैक संग धरी युवती बस स्टैंड पर नशे में धुत घूम रही थी। राज्य लोक सेवा आयोग ने घोषित किया HAS की संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। मणिमहेश यात्रा में खाद्य वस्तुओं के दाम तय, प्रशासन ने जारी की सूची। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं इंद्र छैनुआ की आवाज में यह सिरमोरी लोकगीत। पुरानी मिली साथने पड़ी है प्यारो री बात बैशियो लानी है, पुरानी मिली साथने पड़ी है प्यारो री बात बैशियो लानी है। तन ऐसी नारण खे है, तन ऐसी नारण खे चने एतरी क्यूट क्यूट बानी है बानी है। ओ पुरानी मिली ये 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 पुरानी मिली साथने आड़ी शे शे। नटी दयाज मारे खूब बेजुमड़ा खूब बेजुमड़ा ता साथी कामयाबी रख दम चुमड़ा, ताओ साथी मेरे प्यार चाणा, ताओ साथी मेरे हाय, ताओ साथी मेरे प्यार चाणा। लंज पंज बंदा ना मैं जानिया जानिया हो, पुरानी मिली साथने अड़िए प्यारों री बात बैशिया लड़िए, पुरानी मिली साथने अड़िए प्यारों री बात बैशिया लड़िए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।